चलिए रुक कर देते हैं अगली खबर की ओर, जो राजधानी जयपुर से सामने आई है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर सहित कई अन्य जगह पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले और साथ ही साथ सोने चांदी की जेवरातों की लूट करने वाले जयेश को गिरफ्तार तो किया गया जवाहर सर्किल थाने के अंतर्गत, लेकिन वहीं इस मामले के अंतर्गत अभी कई प्रकार की पूछताछें की गई हैं और पूछताछ में आखिरकार क्या कुछ नए खुलासे होते हुए नजर आए हैं, सीधा हम आप सभी को हमारे इस रिपोर्ट से अवगत कराएंगे। इस व्यक्ति के बारे में पता लगता है और ये पूर्व में गिरफ्तार हुआ है, अभी हाल ही में ये कोलाबा मुंबई में गिरफ्तार हुआ था, इसकी सूचना मिलती है। इसकी सूचना के आधार पे इसके जो जो संभावित ठिकाने हो सकते थे, जहाँ जहाँ ये पूर्व में गिरफ्तार हुआ था और इसके साथ में जो इसके अन्य साथी गिरफ्तार हुआ है, एक साथी इसका शुरू से ऐसी वारदातों में शरीक रहा है, उन सब पे पुलिस ने लगातार नज़र रखी। अलग अलग सिटीज़ में पुलिस की टीम ने रेकी करके जो इन्फॉर्मेशन जुटाई, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर कल सूचना मिली थी सूरत में इसके होने की, वहाँ पर पुलिस टीम भेजी गई और सूरत पुलिस की मदद से इसको दस्तयाब किया गया और आज इसको गिरफ्तार कर अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तारी करने के पश्चात जब इससे चोरी किए गए माल के बारे में पूछा गया, तो वो माल इसने जहाँ ये रुका हुआ था जिस एक फ्लैट में, वहाँ ये माल होना बताया, जो पुलिस की टीम ने तुरंत वहाँ पहुंचकर वो माल बरामद किया। लकीली जो चोरी में ज्वेलरी चोरी हुई थी वो कंप्लीट ज्वेलरी बरामद हो चुकी है। आरोपी ने अन्य शहरों में जहाँ जहाँ ऐसी वारदात करी है वहाँ की पुलिस से संपर्क किया जा रहा है ताकि उनके प्रकरणों में भी इसकी गिरफ्तारी हो सके। इसके अतिरिक्त इसने अन्य शहरों के अलावा जयपुर में भी पूर्व में ऐसी एक वारदात करने की बात सामने आई है। आमेर में एक होटल है, उसमें शायद 2019 नवंबर में एक घटना इसी पैटर्न पे हुई थी। उस संबंध में भी आरोपी से पूछताछ किया जाएगा कि आरोपी की उसमें संलिप्तता है या नहीं, उस संबंध में अनुसंधान किया जाएगा।